येस हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टूडे इज एट ऑफ नवम्बर एंड वी आर हेयर विद द डेली करेंट अफेयर्स क्लास तो आठ नवंबर है और डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है सारे स्टूडेंट टाइम पे आ चुके हैं नहीं अभी टाइम है स्टूडेंट्स को आने में तो प्लीज़ क्लास में आप टाइम पे ज्वाइन करें कौन कौन से स्टूडेंट आए हैं देखा जाए ज़रा तो अटेंडेंस मार्क कर दिया जाए कंप्यूटर जी इनका संचार श्वेता सौरव गौरव संदीप निधि गौरव मधु एस नाज ठीक है अमित अंकित रोशन सोनू प्रगति आलम आप सभी का क्लास में स्वागत है और जो लोग लेट आए हैं कंप्यूटर जी उनका लेट रिमार्क भी लगा दिया जाए ठीक है संजना भी आ चुकी हैं ओके सुप्रभात चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है तो फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग तो उसको समझेंगे जरा क्या है फर्स्ट टॉपिक द तो फर्स्ट टॉपिक है बिहार की राजनीति ठीक अब बिहार की राजनीति बोलो बिहार के आंकड़े बोलो उसी से आज हम डिस्कशन शुरू, शुरू करते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं आपको दिख रहे हैं और नहीं समझ में आ रहे हैं तो उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं चर्चा करते हैं तो दीज आर द नंबर्स ऑफ बिहार बिहार अब इन्हीं नंबर से चलेगा ऐसा लग रहा है ये क्रिटिसाइज करने वाली बात हो गई लेकिन आ, जब हम बोलते हैं कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए जागरूकता होना चाहिए एजुकेशन होना चाहिए लोगों और सरकार का मेन काम क्या है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 45 में एजुकेशन के बारे में मेंशन था उसके बाद इसको फंडामेंटल राइट right बनाया गया जहां पे आर्टिकल नंबर 21 ए था तो एजुकेशन इसीलिए भी ज़रूरी है सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए तो है ही अपना लाइवलीहुड के लिए तो है ही लेकिन एजुकेशन और क्यों जरूरी है ताकि हम अपना सही प्रतिनिधि ढूंढ सके चुन सके उनको वोट दे सके और बिहार में जो प्रॉब्लम है वो है जाति है ना बिहार का प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम नहीं है जाति जाति तो आंकड़े हैं लेकिन इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिहार की राजनीति चलती है और अभी चल रही है आपने न्यूज़ में भी सुना होगा जोरों शोरों से चल रही है तो ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं ये है बिहार के कास्ट सेंसस ठीक है mm -hmm. तो अभी बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है सर्वे कहना ज़्यादा सही रहेगा तो बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है इसके ये आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों को हम समझेंगे जरा और अभी नया मुद्दा क्या है उसको भी समझेंगे ठीक <laughs> ठीक है तो हाँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव चले पढ़े तो यहां पे ईबीसी ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्वे के अकॉर्डिंग इनका जो नंबर है वो कितना है सर्वे के अकॉर्डिंग इनका नंबर है थर्टी सिक्स पॉइंट वन ठीक है थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो वन और ओबीसी का जो आंकड़ा है वो है ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन टू ठीक इसको थोड़ा सा आज थोड़ा ज़्यादा खुल के समझेंगे खुल के मतलब फड़िया के समझना जिसको कहते हैं एस का आंकड़ा है नाइनटीन पॉइंट सिक्स सेवन एस का आंकड़ा है वन पॉइंट सिक्स एट ठीक है यू आर यानी कि जनरल कैटेगरी है 15.52 और टोटल बिहार का जो जनसंख्या है वो है 13.07 करोड़ तो ये है हमारा प्यारा राज्य बिहार ठीक अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो देखते हैं ना कि सीटों का बंटवारा इस तरह से है कि अच्छा हज़ार सीट है तो उसमें से 400 कुछ सीट है जो जनरल के लिए है बाकी सीट में इतना ओबीसी है एस है एस है वो किस तरह से होता है वो ऐसे होता है जैसे कि जो ई क्लास के हैं उनको कितना आरक्षण मिला हुआ है तो जो इस क्लास के हैं ई क्लास के उनको अट्ठारह बिहार में आरक्षण है ओबीसी को आरक्षण है 12% परसेंट एस का आरक्षण है 16% परसेंट एस में बिहार में जन, इनका संख्या कम है तो एक परसेंट का आरक्षण है 1.68 देख सकते हैं आप संख्या भी है जनसंख्या और एक परसेंट का आरक्षण भी है उसके बाद यू आर कैटेगरी को तो नहीं मिलता ये तो इनका नाम ही है अनरिजर्व ठीक है अनरिजर्व कैटेगरी में बिहार में आते हैं ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही है राजपूत भूमियार और लाला है ना कायस जिसको आप कहते हैं ये सब आपको पता ही होगा बिहार से हैं तो थोड़ा बहुत जाति के बारे में आपको जानकारी होगी हमको लगता है कि बिहार के मतलब हम बिहार के हैं तो हम बोल सकते हैं ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टेट वाला बिहार के बारे में बोल रहा है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है बिहार में थोड़ा सा कास्ट ऑब्सेशन है ठीक है अब इस रिजर्वेशन के अलावा एक और रिजर्वेशन मिलता है वो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी तीन का रिजर्वेशन यहाँ मिलता है ठीक अब हल्ला किस बात का है हल्ला इस बात का है इसको जरा समझेंगे आप अगर आप ई को ई को और ओ को साथ में देख रहे हैं तो इनका ही जनसंख्या बिहार में सबसे ज़्यादा हो गया है ना करीबन ये सिक्सटी थ्री परसेंट तक का इनका जनसंख्या हो गया ओके ये भी क्लियर हो गया कि इनका जनसंख्या 63 परसेंट तक का हो गया अभी तक जो हल्ला था अब मैं मैं ऐसे इंटरव्यू सुन रही थी तेजस्वी और प्रसाद यादव का ठीक है तो इन्होंने कहा कि अभी तक क्या हल्ला है हल्ला यह है कि यह जो ओबीसी है ठीक है तो ओबीसी में जो मेजर कास्ट है इसको भी जरा समझ लीजिए ओबीसी में जो मेजर कास्ट है यह है कुर्मी ठीक सबसे बड़ा तो यादव यादव कम्युनिटी इसका भी हल्ला है ठीक है कुशवाहा यह कास्ट क्या है यह ओबीसी के कास्ट है यह तीन कास्ट अगर हम इन तीनों कास्ट के नंबर्स की बात करें कि ये बिहार में कितने हैं तो यादव ओबीसी में 14.26 परसेंट तक हैं यादव जो हैं वो 14.26 परसेंट तक हैं कुशवाहा तो जो है ये है 4.2 परसेंट के आसपास एग्जैक्ट डेटा आप ना देखें लेकिन थोड़ा बहुत करते करते आपको पता चल जाएगा और कुर्मी जो है ये टू एट सेवन परसेंट है ये अभी देखिए पूरा एकदम इलेक्शन आ रहा है और सब चीज़ एकदम खंगार के रख दिया गया है के सामने अब बात क्या है कि हल्ला होता है कि जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो ये दीज आर दास्ट इन ओ बी सी अब हल्ला ये होता है कि ये जो मेजर कास्ट है ये रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं तो कल तेजस्वी यादव जी कह रहे थे उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी में कितने हैं ये लोग अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी सब सारा चीज किस लिए होता है कि हमको नौकरी मिल जाए एक छोटी सी नौकरी का उम्मीदवार हूं मैं ठीक है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यादव जो है वो नौकरी में कितने हैं तो सबसे ज्यादा इनका ही था चर्चा तो 1.55 परसेंट जितने यादव हैं उनमें से बस 1.55 परसेंट सरकारी नौकरी में है ऐसा उन्होंने कहा कुशवाहा कितने हैं तो 4.2 परसेंट इनकी संख्या है लेकिन इनमें से इनकी जितनी संख्या है उनमें से सिर्फ टू तक कुशवाहा सरकारी नौकरी में है और कुर्मी जो है ये इनकी जितनी संख्या है उनमें से 3.19 परसेंट तक ये लोग सरकारी नौकरी में हैं ठीक तो ये बात हुई सरकारी नौकरी की अगर आप इनका टोटल परसेंटेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों कास्ट मिला के करीबन इक्कीस परसेंट अप्रॉक्सीमेटली है और अगर आप इनकी सरकारी नौकरी का डेटा देखेंगे तो इनका सरकारी नौकरी का डेटा करीबन साढ़े परसेंट तक ये सरकारी नौकरी में है मैथ्स कर रहे हैं आज हम लोग सुबह 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 बोलते हैं मैथ्स करना चाहिए आप लोग का ऐसे भी एग्जाम में स्टैटिक्स आता है ठीक तो अब बात क्या है अब बात यह है कि अलग से अब प्रस्ताव रखा गया है नीतीश कुमार जी का मैंने सुना पूरा विधानसभा में उन्होंने जो स्पीच दिया उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई टाइमलाइन भी हम नहीं बता रहे हैं कि अभी तक इसको पारित कर दिया जाएगा या ऐसा कोई हम मतलब आई एम नॉट वो कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं वो बस एक प्रस्ताव रख रहे हैं आई थिंक फॉर डिस्कशन और ये डिस्कशन एकदम अहम मुद्दा बन गया अभी बिहार में और आज का जो पेपर है उसमें भी इसमें मतलब बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं तो हम आपको एक ओवरऑल व्यू समझा रहे हैं ठीक है तो अब आप देखेंगे तो प्रस्ताव क्या रखा गया है प्रस्ताव ये रखा गया है क्योंकि ये दोनों मिलाकर ई और ओ मिलाकर सिक्सटी है तो उनका कहना है कि इन तीनों कैटेगरी को एक दो और तीन ठीक है महिलाएँ भी हैं उसमें इन तीनों कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो क्यों ना ऐसा करें कि ईबीसी ओबीसी ओबीसी विमेन ठीक है को मिलाकर 43% परसेंट तक का आरक्षण दे दिया जाए इनका ये कहना है ठीक और जो एस हैं, है जिनको अभी तक 16% परसेंट का आरक्षण है उनको 20% परसेंट का आरक्षण दे दिया जाए और जो एस हैं, है जिनको एक परसेंट का आरक्षण है उनको दो परसेंट का आरक्षण दे दिया जाए जो कि टोटल मिलाकर अब कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 65 परसेंट तक का आरक्षण हो जाएगा ठीक 65 परसेंट का टोटल आरक्षण दे दिया जाएगा और आप जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यानी कि जो जनरल हैं जो यू कैटेगरी के हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ऑलरेडी टेन परसेंट तक आरक्षण है तो अब बात आ रही है जो मेजर मुद्दा है वो ये है क्या बिहार में ठीक है बिहार में आरक्षण रिजर्वेशन सेवेंटी फाइव परसेंट तक हो जाएगा यही बात यानी कि पहले जो 50% परसेंट तक का दायरा था 40% परसेंट अप्रॉक्सिमेटली दायरा था जिसमें यू आर कैटेगरी 40% परसेंट क्यों बोल रही, रही हूँ मैं क्योंकि 50% परसेंट आप जानते हैं इंदिरा साइनी केस 1992, 50% परसेंट तक ही रिजर्वेशन हो सकता है और बाकी जो टेन परसेंट है वो ई को रिजर्वेशन मिल रहा है तो यू आर कैटेगरी के लिए जो फोर्टी परसेंट तक का था कि सीट्स आर विल बी अनरिजर्व तो बिहार में अब ये बात हो रही है कि जब इनके परसेंटेज कम है जब आप इनकी जनसंख्या कम है फिफ्टीन परसेंट है तो क्यों ना हम इनको ट्वेंटी फाइव परसेंट तक ही ऐसे सीट्स दें जो कि अनरिजर्व हैं क्या आपको यह पूरा मैथ्स समझ में आ गया आर वी क्लियर विद दिस मैथ्स क्योंकि अभी यह मैथ्स आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है आप ऐसे भी बीपीएसेंट हैं और साथ ही साथ आप एक अवेयर सिटीजन है यू नो योर राइट टू वोट है ना आप वोट देते हैं तो इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है और ये अभी प्रस्ताव है ठीक है तो इनका इनका जो रिजर्वेशन है बिहार में कहा जा रहा है कि इसको सेवेंटी फाइव परसेंट पूरा आरक्षण यहां पर दिया जाएगा ठीक रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा वो आंकड़े भी मैंने आपको समझा दिए हैं कि ई बी सी ओ बी सी ओ बी सी वुमेन फोर्टी थ्री परसेंट एस सी ट्वेंटी परसेंट एस टी टू परसेंट टोटल मिला के सिक्सटी फाइव परसेंट एंड देन जो ई डब्ल्यू एस का टेन परसेंट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है वो तो चलेगा ही तो सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा राइट एंड दिस इज ऑल अबाउट बिहार मीडिया इज डिस्कसिंग इसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार में आरक्षण इस तरह कास के कास्ट सेंसस के बाद बाकी स्टेट्स भी अपने कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है ना ओके okay. तो इस इस चीज के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज भी बिहार का ही है बात हम कर रहे हैं सैलेश कुमार की ठीक है तो शैलेश कुमार कौन है ये जमुई से हैं शैलेश कुमार कहाँ से हैं ये जमुई से हैं याद रखेंगे इन्होंने बिहार में ग्लोरी लेके ये आए हैं तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और इन्होंने बिहार के लिए ये बिहार के हैं और ये पदक लेके आए हैं भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है गोल्ड मेडल किस चीज़ में तो हाई जंप में ठीक है हाई जंप में ऊंचा कूद दरोगा में भर्ती में होता है हाई जंप लॉन्ग जंप और ये फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने ये हाई जंप जीता है ठीक है आप जानते हैं कि एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ है तो ये हैंगजाउ में हुआ है हैंगजाउ कहाँ है चाइना में है ओके okay. और इनका ग्रैंड वेलकम हुआ जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ अफेयर है कुमार राय इन्होंने डिपार्टमेंट में जितेंद्र कुमार राय इनका नाम है ठीक है तो इन्होंने इनका बहुत वेलकम किया साथ ही साथ इनको अनाउंस किया गया कि एक करोड़ रुपए मिलेंगे और ये ऑलरेडी सेना में है तो इनको फिफ्टी फिफ्टी सिक्स हंड्रेड ग्रेड पे में इनको डाला जाएगा मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम चल रहा है बिहार में आप भी अगर किसी स्पोर्ट्स में हैं तो आप मेडल लाइए और बिहार में जो आप बी की तैयारी कर रहे हैं इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेडल लाइए और आपको नौकरी मिल जाएगी ऐसा है क्या अच्छा आपको क्या लगता है नौकरी लेना ज़्यादा आसान है या भारत के लिए मेडल लाना अब अपना ओपिनियन बताइएगा कोई अन कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं एक नॉर्मल बात मैंने पूछी है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपको आंसर देना है कि इकोलॉजिकल थ्रेट की बात की गई है इकोलॉजिकल थ्रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ खतरा है ठीक है तो खतरा है किस चीज़ को इकोलॉजी का ख़तरा है और हम लोग भी इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं अगर बिहार यहाँ दिल्ली की बात करें तो ग्रैप फोर शुरू हो गया है इस शहर को हुआ क्या है कहीं राख है कहीं धुआं धुआं है उसी टाइप का ये शहर हो गया है ग्राफ फोड यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फोर जहाँ पे डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है हल्की डीजल गाड़ी भी दिल्ली की सड़क पर नहीं चल सकती है साथ ही साथ सिर्फ वही ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं जो कि सी से चलने वाले ट्रक हैं स्कूलों को बंद कर दिया गया है वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा अभी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे दें ठीक है ये सारी बातें दिल्ली का अभी हालात ऐसा है अब यहाँ पे भी इकोलॉजिकल थ्रेड की बात है कहा जा रहा है कि पहले जो लोग थे जिनको मतलब पर्यावरण जो बदल रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 1.8 बिलियन लोग ठीक है 1.8 बिलियन लोग इसे प्रभावित थे और ये आंकड़ा बढ़कर अब 2.8 बिलियन तक का हो गया है यानी कि व्हेन वी डिमांड फॉर द राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो आप देख लीजिए 2.8 बिलियन लोगों को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ है इसके कारण इनको अपना घर चेंज करना पड़ता है या शहर चेंज करना पड़ता है तो ये इकोलॉजिकल इशू से ग्रसित डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 2.8 बिलियन लोग यहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है जब आप अफ्रीका के मैप को देखिएगा सहारा के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है ठीक है या सहारा वाला पोर्शन है तो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सब सहारन रिजन ठीक है सब सहारन रिजन अफ्रीका का ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है यानी कि ये ऐसा हॉटस्पॉट है जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ठीक है तो ये सारी बातें हमने कर ली अब बात है कि ये रिपोर्ट आया है इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट और ये पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ठीक है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको अभी हाल ही में लाया गया है क्लियर और कोई आप बता सकते हैं ऐसा एक और हमने रिपोर्ट डिस्कस किया था जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा लाया गया था एनी आइडिया तो हमने एक और रिपोर्ट डिस्कस uh, किया था जिसका नाम था इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ तो इसका नाम था ग्लोबल टेररिज्म है ना टेररिज्म रिपोर्ट इस रिपोर्ट में टॉप पे अफगानिस्तान रहा भारत का रैंक क्या रहा यह आपसे सवाल है क्या बता सकते हैं याद है आपको 2023 में यह रिपोर्ट को लाया गया था इसी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा और इस रिपोर्ट का नाम क्या था ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट और यहां पे टॉप में अफगानिस्तान था भारत का रैंक था थर्टीन ये याद होगा आपको है ना राइट ओके हां आंसर मुझे इसका सही नहीं मिला आप लोगों के द्वारा लेकिन ठीक है अब आप समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में बात करते हैं ये इस टाइप का पिक्चर आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा है ना ये रश्मिका मंदाना है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आपने पुष्पा में देखा होगा इनको और ऐसे भी बहुत फेमस है और इनका एक डीप फेक वीडियो बना दिया गया है ये ये ओरिजिनल वीडियो है और इनमें देखिए कुछ ऐसा फेस में फीचर्स चेंज करके ये डीप फेक वीडियो बना दिया गया है ठीक है तो अब डीप फेक पे क्वेश्चन आपके सामने है आप बताइए डीप फेक में क्या क्या किया जा हो सकता है हम्म, क्वेश्चन इज की कंसिडर द फॉलोइंग डीप फेक को हम किस तरह से ही? गलत उसका इस्तेमाल किया जा सकता है घोटाले करने के लिए या स्कैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता जा सकता है सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी तो मतलब एक अश्लील वीडियो होगा और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति होगा लेकिन क्योंकि ऑडियंस भी देखिएगा अगर आप ये सब बात ये सब चल क्यों रहा है ये सब चल इसलिए रहा है कि इंटरनेट यू बिलीव दिस और नॉट इंटरनेट में आज भी एट्टी परसेंट जो कॉन्टेंट है वो अश्लील चीज़ों का कॉन्टेंट है यानी कि पॉइंट्स का है फ़ोटोज़ uh, जो आपके अश्लील फ़ोटोज़ होते हैं या कोई ऐसा किसी के बारे में जानकारी पीपल आर गेटिंग सिख है ना पीपल इफ़ एट्टी परसेंट ऑफ द कॉन्टेंट इज़ अश्लील और लोग उसको देख रहे हैं शेयर कर रहे हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं डिमांड है तभी तो सप्लाई है तो दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग सिख और दूसरे के बारे में दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हम लोग में भी ये टेंडेंसी होता है पड़ोसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अपना लाइफ जो भी हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एथिकल इश्यूज भी हैं इस पर एथिक्स पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है मेरा क्वेश्चन है कि क्या क्या होता है इसमें तो स्कैम्स हैं ठीक है सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी है आइडेंटिटी थेफ्ट अगर मान लीजिए कि आपके चेहरा का फोन होता है ना फेस लॉक खुलता है हैंड प्रिंट खुलता है उसका अगर हम कुछ उसका डीप फेक बना दें या उसका कुछ ऐसा ऑल्टरनेट बना दें तो आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है उससे आपका आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपके आईडी से कोई और कोई भी काम कर सकता है इस तरह से तो पहचान की चोरी है सोशल इंजीनियरिंग ठीक है तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपके डीप फेक के हैं आंसर हो जाएगा सारे ही हैं ऑल फाइव इसके इशूज़ हैं और आप देख सकते हैं डी फेक पर आप एक आंसर लिख सकते हैं एक शॉर्ट लिख सकेंगे ठीक है तो आपका क्वेश्चन आज का जो आठ मार्क का वाला रहेगा वो रहेगा रिसेंटली इन न्यूज हाल ही में आपने खबरों में रिसेंटली इन न्यूज डीप फेक सुना है हाउ द सोसाइटी हाउ द सोसाइटी इज गेटिंग अफेक्टेड उ सोसाइटी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय सच ट्रांजेशन ठीक है तो डी फेक जो आजकल इतना ज्यादा न्यूज में है उससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हिंदी में भी यही है हिंदी में बस यही आपको लिखना है कि समाज पर प्रभाव यह आ सकता है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आपके सिक्सटी नाइन्थ में तो आएगा ही जो सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी है सैमंडियथ वाले भी सेवे सत्तरवीं बी पी एस सी भी जो देंगे वो लिखेंगे फाइन तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी स्कैम फाइनेंशियल फ्रॉड आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट ऑटोमेटेड डिसअनफॉर्मेशन अटैक सोशल इंजीनियरिंग इलेक्शन मैनिपुलेशन ये सारी चीज़ें आपके कार फेक के कारण न्यूज़ में रही हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है।, है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा चाहते हुए ना चाहते हुए इस टाइप के क्वेश्चन का हम आराम से बनाएंगे पहला स्टेटमेंट ये किस चीज के बारे में है ये लाइट्स 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 के बारे में देखिए इसको कहते हैं हैं जो नॉर्दर्न लोग जाते ना देखने के लिए स्वीडन नॉर्वे इस तरह के देश जाते हैं हम क्या देखने के लिए इस टाइप के नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जाते हैं ठीक है तो इन लाइट्स के बारे में क्वेश्चन है कि अरोड़ा लाइट्स पहला स्टेटमेंट है कि ये रोशनी आमतौर पर पृथ्वी के ध्यान से सुनिएगा ठीक है भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास दिखती है पहला स्टेटमेंट है दीज लाइट्स आर मोस्टली कॉमनली ऑब्जर्व नियर द अर्थ जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ठीक है ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अगर कभी भी स्टेटमेंट में कोई चीज एक्सप्लिसिटली मैंशन है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ठीक है <laughs> फिर हम देखेंगे दीज लाइट्स आर कॉल्ड अरोड़ा ऑस्ट्रियालिस नियर द नॉर्थ पोल एंड अरोड़ा बोरियालिस द साउथ पोल तो यहाँ पे है कि उत्तरी ध्रुव के पास रोशनी को अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव के पास अरोड़ा बोरियलिस कहते हैं ठीक है यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट है कि द फेनोमना ऑकरिन मेजोस्फेयर लेयर मेजोस्फेयर लेयर यानी कि ये वायुमंडल की मेजोस्फेर परत में होता है आप जानते हैं कि ये अर्थ है अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्टार्टोसफेयर है स्ट्राटोसफेयर के ऊपर मीजोस्फेयर है मीजोस्फेयर के ऊपर आपका एनोस्फेयर थर्मोस्फेयर है ठीक है तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि ये अर्थ है ट्रोपोस्फेयर हो गया सम सं... संताप मंडल हो गया स्टार्टोसफेयर मीजोस्फेयर और उसके बाद थर्मोस्फेयर है तो ये कहा जा रहा है कि ये मीजोस्फेयर में इस टाइप के चीज़ें हो रही हैं ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है अब मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहूँगी कि आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई भी तीनों में से एक कथन सही है तो आपका आंसर होना चाहिए एक अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से सिर्फ दो कथन ही सही है तो आपका आंसर होना चाहिए बी और लग रहा है कि तीनों कथन सही है तो आपका आंसर होगा सी और लग रहा है कोई भी सही नहीं है तो आंसर होगा डी अब प्लीज़ आप लोग ज़रा सा एफर्ट डाले और आंसर बताएं जैसे कि गौरव कह रहे हैं कि बी होगा सुमित कह रहे हैं ए होगा अतुल अभिषेक हैं स्टूडेंट इनका नाम है अतुल अभिषेक टू फोर टू इनका आंसर है डी और uh, एस नाज है हमारी एक स्टूडेंट है ये कह रही है शायद सी ठीक है यानी कि तीनों सही है पिटाने वाला काम कुछ बच्चे कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं देखिएगा तो ये धरती है धरती के नॉर्दर्न पोल में अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे कॉमन सेंस गई ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना तो नीचे होगा ना नीचे क्या होगा नीचे होगा अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिया नीचे है साउथ में है तो उससे याद रख सकते हैं आप और ऊपर में क्या होगा ऊपर में होगा बोरियालिस ठीक तो ये अरोड़ा लाइट्स दिखते हैं और इसको हम ऑस्ट्रियालिस और बोरियालिस कह रहे हैं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लियर है तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया अब बात है कि क्योंकि ये मैग्नेटिक अफेक्ट के कारण होता है आप जानते हैं कि जोग्रफी में जोग्रफी में जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है वो इस तरह से हैं लेकिन धरती का मैग्नेट कुछ टिल्टेड है तो धरती का मैग्नेट टिल्टेड होने के कारण ये मैग्नीटूटल नॉर्थ जो है ये आपका मैग्नीट्यूटल नॉर्थ नीचे है और मैग्नीट्यूटल साउथ जो है वो आपका ऊपर है तो ये मैग्नीट्यूट ये जो मैग्नेट्स है ठीक है मैग्नेट्स मा, के अफेक्ट के कारण होता है तो ये ध्रुव पे होता है लेकिन ये मैग्नेट के अफेक्ट के कारण होता है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में होगा तो ये ज्योग्राफिक जो साउथ लिखा है भौगोलिक ये नहीं होगा ये मैग्नेट के कारण होता है इस कारण से आप देखिएगा ये एकदम आपका एक्सप्लीसिटली वो वर्ड मैंशन करने का कारण यही है ठीक तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी हो गया गलत अब बात है कि ये मैग्नेट्स और आयंस के कारण होता है मीजोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं है हमको आयनोस्फेयर तक जाना पड़ेगा और आयनोस्फेयर कहाँ पे है थर्मोस्फेयर में है ठीक तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया जिस कारण से आंसर क्या आ जाएगा नन कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है हम बात कर रहे हैं इस टाइप के अफेक्ट का जो कि धरती के नॉर्थ और साउथ में आपको दिख रहे हैं अब आप देखेंगे कि ये लाइट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में होते हैं ये कारण है ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं और जो सोलर विंड होते हैं जो सूरज से सोलर विंड आते हैं और धरती का मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों में रिएक्शन हो रहे हैं जिसके कारण ये पूरा अफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है पहला कथन इसलिए गलत है सेकेंड कथन आपको पता है क्यों गलत है और थर्ड कथन भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कौन से इस में होगा तो ये इस जो है आपका आयनोस्फेयर है वी आर क्लियर विद दिस राइट तो अब ये टॉपिक क्लियर हो गया अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये क्यों न्यूज में रहा हाँ तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आयनोस्फेयर में है और बाकी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिस जो है वो साउथ पोल में होगा और नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्थ पोल में आपका बोरियालिस होता है आप लोग भी कभी जाके इसको देख सकते हैं ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे ग्रीन रेड लाइट दिखता है नाइट्रोजन के कारण ब्लू और पर्पल लाइट यहाँ पे दिख रहा है और आपको डिटेल में मैंने ये बता दिया अभी न्यूज में क्यों है अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि बुल्गेरिया में बुल्गेरिया ये देश है यहाँ पे इसको पहली बार देखा गया है अगर हम मैप में देखेंगे बुल्गेरिया को तो ये आपको यूरोप का मैप दिख रहा है ये बुल्गेरिया है कैपिटल इसका सोफिया है यहाँ पे ब्लैक सी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे टर्की है तो ये आपका देश है बुल्गेरिया जो कि आपको यहाँ दिख रहा है टर्की के साथ बॉर्डर ये नहीं लगा रहा है ये नॉर्थ मैसेडोनिया रोमानिया इस तरह के देशों के साथ बॉर्डर टच कर रहा है और यहाँ पे इसको पहली बार देखा गया है ये क्लियर है टॉपिक कहीं कोई डाउट नहीं है आपको इस टॉपिक में द टॉपिक इज क्लियर है ना ये आपका पहले भी हम लोग जोग्राफी में इसको पढ़ चुके हैं और भी न्यूज में रहता है तो हम लोग इसको डिस्कस करते रहते हैं बाकी आप आइनोसफेयर के बारे में भी समझ चुके हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं मैक्सर्सन ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्सवर्थ स्टेपन ने ही जीत लिया है तो ऑलमोस्ट आपके लिए याद करना आसान रहेगा ऑलमोस्ट सारे ही ग्रैंड प्रिक्स एफ वन रेसिंग जो गाड़ी चलती है तो ये सारे मैक्सवे स्टपन जीत रहे हैं और एक दो जीता है जैसे एक कैर्ला uh, स्नेज ने जीता है है ना बाकी ज़्यादातर मैक्सवर्स स्टेपन ने जीता है ओके जैसे कल आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा काफ़ी ज़बरदस्त मैक्स है ना सारे लोगों ने स्टेटस लगाया था मैक्स स्लैश वेल तो उससे आपको पता चला होगा कि मतलब ऐसा कुछ क्विट वाला सिस्टम है नहीं मतलब अगर हम डिक्शनरी भी देखें अगर आपके पास आपकी आपकी डिक्शनरी है तो उसमें क्विट वर्ड नहीं होना चाहिए आप जितना ट्राई करते रहे मतलब एकदम जुनून से आप ट्राई करके देखिए तो आपको सफलता मिल ही जाएगी ऐसा कुछ होता नहीं है फेलियर टाइप का कुछ नहीं होता है बस ट्राई करना होता है अपना हंड्रेड परसेंट दे के हो सकता है कि आपका बहुत बार प्रल्लम्स नहीं हुआ हो आपने बहुत पहले ग्रेजुएशन किया हो ये ये द कॉमन स्टोरीज हैं आप अभी अभी सिक्सटी सेवन्थ का रिजल्ट आया है आप उनके भी स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉमन स्टोरी है ये जितना जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है भगवान जी सबको इक्वल इक्वल पोर्शन में राशनिंग बहुत अच्छा है ऊपर वाले का तो इक्वल पोर्शन में सुख और दुख दोनों दिए हुए हैं तो इन जिनका ग्रेजुएशन बहुत पहले हुआ है दो प चौद में ग्रेजुएशन हुआ है पंद्रह सोलह में ग्रेजुएशन हुआ है अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया पैसा नहीं होने के कारण कोई अलग कोर्स नहीं किया है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट जॉब मिल जाए ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं है बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी है सबके साथ बस आपको क्या करते रहना है आपको बस मेहनत करते रहना है और सब कुछ हो जाएगा सही ठीक कल के मैथ्स हम ये सीख सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे तो सुल्तान ऑफ जोहर का ये इंडियन हॉकी टीम इन्होंने यहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये आप याद रखेंगे उसके बाद ये बात है चेस की तो चेस में क्या हो रहा है भारत ने क्लेम किया है टॉप टाइटल्स भारत ने टॉप टाइटल्स जीते हैं ठीक तो यहाँ पे एफ आई डी ग्रैंड स्विस चेस चैंपियनशिप यहां आप देख सकते हैं विदित गुजराती ये जो मेल है इनका नाम है और आर वैशाली ठीक है आर वैशाली ये दोनों स्विस चेस इवेंट में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है और ये आप याद रखिएगा ठीक है और अभी ये अपकमिंग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ये होने वाला है नेक्स्ट इनका टूर्नामेंट टोरंटो में टोरंटो कनाडा में यहां पे ये मैच होने वाला है तो आपसे ये क्वेश्चन है कि एफ आई ग्रैंड विमेन स्विस दो चेस चैंपियनशिप किसने जीता है सिंपल बात सिंपल क्वेश्चन आंसर बताएंगे hmm. क्लास को प्लीज़ रेगुलरली देखिए करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलर का चीज़ है कभी कभी कुछ लोग आते हैं कभी कभी चले जाते हैं दिवाली की साफ़ सफ़ाई करने के लिए दिवाली मनाने के लिए फिर छठ मनाने लगेंगे उसके बाद फिर क्रिसमस न्यू ईयर ऐसा तो साल बीत जाएगा फिर मेहनत कब करेंगे हाँ ओके वो कह रहा है कि प्रग्नानंद की बहन आर वैशाली ओके आर वैशाली आर प्रग्नानंद ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आप दिल्ली की बात हो रही है दिल्ली की बात और यहाँ पे और इवन व्हीकल फिर से शुरू हो गया है दिल्ली में ग्राफ फोर शुरू हो गया है ये आप याद रखिएगा ग्राफ फोर ग्राफ फोर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान डीजल गाड़ियां पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है इनपे ओके तो ग्राफ फोर आ गया है और ये क्यों होता है दिल्ली में और इवन ये क्या है तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि जिस गाड़ी में लास्ट में ऑर्ड नंबर है मान लीजिए फोर टू सिक्स थ्री तो ये ऑड नंबर है अब ये सिर्फ एम मतलब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं एम एफ यानी कि मंडे वेंसडे फ्राइडे ही चलेगी फिर है फोर टू सिक्स सिक्स तो ये इवन नंबर है आप जानते हैं कि टू फोर सिक्स एट इवन नंबर्स होते हैं और लास्ट में अगर वन थ्री फाइव सेवन ये ऑर्ड नंबर्स होते हैं तो ये गाड़ी सिर्फ टी टी एस में चलेगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ताकि गाड़ी चलने का ही मेन कारण है दिल्ली में पोल्यूशन का मेन कारण है वेहीकुलर पोल्यूशन और इसको फिर से कम बैक करने के लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है अगर हम ऑड इवेंट रूल्स को देखेंगे ठीक है ऑर्ड इवेंट रूल्स को देखेंगे तो इसको 13 नवंबर से दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और ये इसीलिए है क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो पांच का लिमिट क्रॉस कर चुका है सीवियर पोल्यूशन से ज्यादा हो चुका है साथ ही साथ ये रूल को पहले दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी 2016 में यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था और वही जो मैंने आपको समझाया कि लास्ट में जो ऑड नंबर्स है वो ऑड डेज पे ऑड नंबर डेट्स पे निकलेंगे और जो इवन है वो इवन नंबर डेट्स पे निकलेंगे फाइन ओके नेक्स्ट हम देखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में ठीक है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे आपको हेडलाइंस uh, भी दिख रहा होगा हेडलाइन भी यही है जो हम पढ़ने वाले हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी बन गए हैं नए अब आपको बताना है कि कौन बने हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक्ट आया था जब भी कोई एक्ट आता है जब भी कोई कानून बनता है और उसके तहत किसी बॉडी को बनाया जाता है तो ये बॉडी क्या बन जाती है स्टैचूटरी बॉडी बन जाती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और ये बॉडी क्या बन गई एक स्टैचूटरी बॉडी बन गई यानी कि अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उसके लिए कमीशन होना चाहिए जिससे आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमीशन बन गया ठीक है और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे उनको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहने लगे इनके साथ मैक्सिमम कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं तो मैक्सिमम दस इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हो सकते हैं ये लोग अपना पोस्ट कब तक टेक करेंगे मतलब इनका टेन्यूर पीरियड क्या रहेगा इनका टेन्यूर पीरियड रहेगा जब तक ये पैंसठ साल के हो जाते हैं सिक्सटी फाइव ईयर्स जब तक ये हो जाएंगे तब तक इनका टेनयोर पीरियड रहेगा समझ में आ रहा है उसके बाद बात है कि क्या ये संवैधानिक निकाय है तो नहीं ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो मैं आपको जो फर्स्ट लाइन इसके बारे में बताती वो क्या होता वो ये होता कि ये किस आर्टिकल में है जहाँ पे भी आपको अनुच्छेद ना दिखे यानी कि अनुच्छेद मैंने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि ये नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है साथ ही साथ आप देखिएगा इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे तो इनका अपॉइंटमेंट करेंगे कौन करता है हमारे देश में अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं अब इनका इनमें से कौन बनेंगे जैसे कि मान लीजिए अभी जो आप जान रहे हैं कि हीरालाल समाड़िया जी को बनाया गया है तो इसके लिए एक कमेटी बैठी होगी है ना इनको चुनने के लिए एक कमेटी बैठी होगी उस कमेटी में कौन कौन होंगे उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे देश के इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं चेयरपर्सन चेयरमैन प्रधानमंत्री ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी लिख देते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन उप यानी कि जो दूसरी पार्टी है जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके लीडर कहाँ पे लोकसभा में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो होंगे इस कमेटी में साथ ही साथ एक यूनियन मिनिस्टर ठीक है तो एक केंद्रीय मंत्री और ये यूनियन मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं चाहे वो होम मिनिस्टर हो डिफेंस मिनिस्टर हो कोई भी हो सकते हैं इनको चुनेंगे कौन इनको प्राइम मिनिस्टर बताएंगे प्राइम मिनिस्टर जिनको भी ऐसा सेलेक्ट uh, करते हैं अपॉइंट करते हैं नॉमिनेट करेंगे नॉमिनेट विल बी अ बेटर वर्ड तो प्राइम मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेंगे वही मंत्री इस कमेटी में रहेंगे तो ये तीन मेंबर कमेटी बनती है और ये लोग फिर चुनते हैं कि तो चीफ इन फॉर्मेशन कमिश्नर को ये चुनते हैं अच्छा मान लीजिए कि टेन्योर खत्म हो गया टेन्योर 65 साल का खत्म हो गया ये 65 साल के हो गए जैसे हीरालाल समारिया जी 65 साल के हो गए अब इनको यहाँ से रिटायर कर दिया गया तो क्या ये कोई दूसरे बॉडी में जाके कोई दूसरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ठीक हाँ बिल्कुल संदीप तो ये जो है ये री अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या इनका क्या ये चाहे तो क्या कोई सरकारी ऑफिस में ये इनका री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है कि नहीं तो नहीं हो सकता है ये, ये बात याद रखिएगा इस टाइप के ट्रिक क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है ये बात आप याद रखेंगे ठीक क्लियर है कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है अंडरस्टूड है अच्छा हम आपको जब भी पॉलिटी पढ़ाते हैं तो हम आपको पॉलिटी में हमेशा कोई ना कोई केस स्टडी बताते हैं केस स्टडी हम इसलिए भी बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें जहाँ नहीं मैंशन है तो समय समय पर उस पर केसेज होते हैं लोग अपना ग्रिवेंसेज रखते हैं कोर्ट उसको रिड्रेस करता है और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे निकाय फिर से बनाए जाते हैं तो ये केस मैंने पहले भी बताया हुआ है ये बात कहाँ से शुरू हुई थी ये बात 1986 से शुरू हुई थी 1986 से शुरू हुई थी पॉलिटी में हर एक टॉपिक पे एक अच्छा इतिहास है तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर कुलवल ठीक है अब मिस्टर कुलवल ने कहा कि हमको अपना स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल नंबर नाइनटीन को यूज करना है अगर मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि आप बोलिए तो आप बोलिएगा मैम हम आपको बोले कि क्लास ऑफलाइन है और हम बोले कि आइए सामने निशा मिश्रा जी आप स्टेज पे आइए और आप आ, कोई टॉपिक पढ़ाइए तो आप बोलेगा कि मैम पहले आप वो टॉपिक पढ़ा देंगी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद ही तो हम बोल सकते हैं यानी कि हम अगर, अगर अपना इस अधिकार को अपने इस अधिकार को यूज़ करना चाहते हैं मेरा अधिकार क्या है कि हम अपने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है तो इसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है तभी यहाँ पे समझा गया कि क्योंकि एक फंडामेंटल राइट right को आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है और तभी से ये बात शुरू हुई 1986 से कि देर शुड बी राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो तो ये मिस्टर कुलवल वर्सेस uh, जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड का ये केस था ठीक है वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी लिख दिया है तो म्युनिसपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये ठीक है ओके क्लियर है तो हो, ये टॉपिक तो क्लियर हो ही गया होगा साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स था वो भी मैंने आपको बता दिया है करंट अफेयर्स क्या है हीरालाल समारिया के बारे में है ओके okay. अंडरस्टूड नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्शनरी ठीक है देखिए अलग अलग टाइप के डिक्शनरीज हैं उसमें कोई कोई शब्द को शब्द ऑफ द साल चुना जाता है जैसे कि अगर हम बात करें की ठीक है गॉबलिन मोड आजकल बहुत लोग ना ये गॉब्लिन मोड में जा चुके हैं मुझे भी कभी कभी लगता है कि हम लोग गॉब्लिन मोड में जा चुके हैं अब ये गॉब्लिन मोड क्या है और इसको कैसे चुना गया तो गॉबलिन मोड वॉज ऑल्सो वर्ड ऑफ ये ऑक्सफोर्ड वर्ड डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर था तो इसका क्या मतलब होता है गॉबलिन का गॉबलिन का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो कि सोशल नॉर्म्स के से अलग हो एक सोशल नॉर्म होता है एक सोसाइटी में रहने का तरीका होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे हम लोग टीन में ये ज़्यादातर देखते हैं अब तो अडल्ट में भी हो गया है कि नहीं उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है जाने का मन नहीं कर रहा है बोलने का मन नहीं कर रहा है छोड़िए या फिर कुछ लोग होते हैं ग्रीडी हो जाते हैं कि सिर्फ सेल्फिश हो जाएंगे अपने बारे में सोचना है तो ये भी हो गया था ठीक है ये ऑक्सफोर्ड गॉब्लिन मोड में जा चुका था ठीक है तो ऑक्सफोर्ड वर्ड सॉरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो है गॉब्लिन है पॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पिछले साल की हम कैम्ब्रिज ठीक है बहुत सारे डिक्शनरी अलग अलग पब्लिकेशन के तो उसका वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर देखें पिछले साल का तो 2022 का है ये तो ये था होमर एच ओ एम ई आर ये क्या है ये एक टर्म है बेसबॉल से रिलेटेड है ये ठीक है बेसबॉल जो स्पोर्ट्स होता है वहां पे ये टर्म है होमर समझ रहे हैं ओके गोब्लिन आप लोग भी हैं क्या गोब्लिन मोड में आप लोग का भी लेजी टाइप तो सोसाइटी से अलग रहने का मन करता है है ओके नेक्स्ट हम तो देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग था तो एक कौन सा ऐसे प्लेयर है पहली बार इन्होंने मतलब ये पूरे इतिहास में इन्होंने क्रिकेट में अपना नाम दर्ज करा लिया है क्योंकि पहली बार किसी बैट्समैन का दु, दुनिया में टाइम आउट हो गया तो ये टाइम आउट है एंजेलो एंजेलो मैथ्यूज और ये देखिए आप श्रीलंका के ये प्लेयर हैं और इनका टाइम आउट हो गया था ठीक है तो ये भी ऐसा भी हुआ क्रिकेट में ये भी आप ध्यान रख सकते हैं हिंदी में एम बी कोर्स की बात चल रही है आजकल हिंदी हम भी सीख रहे हैं है ना अच्छे से जो स्टूडेंट मेरे पुराने उनको पता होगा कि मेरा थोड़ा हिंदी में हम एक्चुअली हम बहुत अच्छे हैं हिंदी में तो हम उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदी इज़ लाइक द फ्यूचर तो अब देखिए हिंदी में एम बी बी एस कोर्स शुरू होगा मेडिकल कॉलेज में आपको क्या लगता है हिंदी में या बी टेक जो है वो हिंदी में किया जा सकता है मुझे लगता है कि अभी तक क्योंकि ज़्यादातर डिस्कवरीज़ यूरोप में ही हुई थी ग्रीक में हुई थी या ग्रीस में हुई थी या फिर लैटिन में हुई थी तो वर्ड्स जो है ग्रीक वर्ड है लैटिन वर्ड है रशियन रशियन बी भी बहुत फ़ेमस है यहाँ रशियन इंजीनियरिंग बुक्स बहुत फ़ेमस है फिर कुछ कुछ बुक्स याद है मुझे हम लोग पढ़ते थे जब एलेवेंथ ट्वेल्थ में थे फिज़िक्स के बहुत अच्छे रशियन बुक्स थे तो ये एम का कोर्स हिंदी में लॉन्च करने की बात कौन सा स्टेट कर रहा है ये उत्तराखंड कर रहा है अच्छी बात है सारे टर्म्स को हम फिर से हिंदी में लिखेंगे हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी में ही समझेंगे बच्चों के लिए भी फायदा होगा ठीक है चलिए और बात करते हैं माना विलेज की बात करते हैं ठीक है माना विलेज कहाँ है तो ये भी उत्तराखंड में है माना विलेज भी रिसेंटली न्यूज में रहा माना के बारे में बात करें अगर हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो पांडवास की ना का नाम आपने सुना होगा पांडवास तो जब ये जन्नत जा रहे थे जन्नत हेवन बोलते हैं ना जन तो जब ये जा रहे थे स्वर्ग हाँ स्वर्ग विल बी गुड वर्ड फॉर पांडवास तो जब ये स्वर्ग जा रहे थे तो जो आखिरी दो लास्ट जगह ये गए थे होता है ना कि एक ऐसा जगह अब जैसे कि अलक्सा मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जब जन्नत जा रहे थे तो उनका जो घोड़ा था जिस यूनिकॉर्न था काइंड kind ऑफ of, जिसमें पंख थे तो वो लास्ट जगह जो उन्होंने पैर रखा वो अलक्सा था जिस कारण से इस्लाम धर्म के लिए वो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है उसी तरह से माना विलेज ये लास्ट वो जगह था जहाँ पर इन्होंने पांडवाज ने पा रखा और उसके बाद से ये स्वर्ग चले गए ठीक

फर्स्ट विलेज होगा वहां से भारत शुरू होता है ठीक तो यह चीज के लिए भी ये माना चमोली का जगह है जो कि न्यूज में रहा अंडरस्टूड स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में है कि इंडियन वेमेन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक तो अब ये गोल्ड मेडल तो चलो ठीक है मेरा सवाल आपसे क्या है कि किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है इंडियन वुमेन इंडियन वुमेन एशियन चैंपियनशिप में ट्रॉफी इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल ठीक है और यह हॉकी का है बात ये बात हॉकी की है तो भारत के किस भारत ने किस देश को चार शून्य से हराकर महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में हॉकी की खिताब में स्वर्ण पदक जीता है बहुत बढ़िया सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं आंसर क्या होगा जापान होगा नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ठीक तो अभी सी को भी हम अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं जो भी टॉपिक हमको करंट अफेयर्स में मिलते हैं उसका हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो पॉलिटी हो इकोनॉमिक्स हो ताकि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जीके स्टैटिक पोर्शन है उसको भी रिवाइज करते रहे है ना तो अब बात क्या है अब बात यह है कि यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर है जब आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर बिहारी का सपना ऊपर भगवान नीचे आई बीच में कोई नहीं आई भी है ठीक है तो विच आई ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एस ऑफ सी बी आई एस बी नहीं सी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीबीआई है ये एक एक्ट के तहत काम करता है तो यह एक्ट कौन सा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट ठीक है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट बना था और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो है इसी के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था है ना तो इस एक्ट के तहत 1946 का ये एक्ट है इसके तहत करप्शन को रोकने के लिए फिर एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था संथानम कमेटी संथानम कमेटी ठीक है संथानम कमेटी बनाई गई 1962 में और उसके बाद से सीबीआई को फॉर्म किया गया सीबीआई 1963 में फॉर्म हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाइनटीन में यह फॉर्म हुई सी है ना और इसका मोटो क्या है मोटो अच्छा है ये आप याद रख सकते हैं इंडस्ट्री Impartiality, integrity, ये इसका मोटो है कंट्रोवर्सी में भी रहता है क्योंकि इसको सरकार का तोता कहा जाता है पैरेट ऑफ द गवर्नमेंट है ना लेकिन वो सब हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं इसके क्या पावर हैं ये सब बात करेंगे अच्छा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का क्लास होता है रोज़ शाम छः बजे ये पता होगा आपको आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट हमने फंडामेंटल uh, ड्यूटीज़ तक कंप्लीट कर लिया है आज का टॉपिक प्रेसिडेंट है यूट्यूब पे हो रहा है क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वाई पे ये क्लास है ठीक है फ्री है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सब सारे स्टूडेंट्स को देखिए पॉलिटी का जो आपका बेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है साथ ही साथ इसमें फीचर्स क्या है बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है इसका और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ और जैसे कि आप जानते कि हैं कि पॉलिटी में हम सारे केस लॉस पढ़ाते हैं तो सारे केसेस भी इसमें आपके एक जगह कंप्लीट हो जाएंगे है ना ओके okay. तो यहाँ पे आप मोटो समझ चुके हैं संथानम कमेटी समझ चुके हैं साथ ही साथ सीबीआई एक और काम क्या करता है ये असिस्ट करता है ये किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ लोकपाल है ना लोकपाल को भी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है पिनाकी चंद्र हमारे देश के पहले लोकपाल ठीक तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपको पता ही है प्रवीण मधुकर पवार इसका आंसर हो जाएगा यही आईपीएस ऑफिसर है जिनको अभी ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई में ओके छह बजे फ्री नहीं रहते हैं अच्छा तो उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा उसके आठ क्लासेस हो चुके हैं प्रियांबल पढ़ चुके हैं फीचर्स पढ़ चुके हैं पार्ट वन पढ़े हैं पार्ट टू पढ़े हैं पार्ट थ्री दो दिन पढ़े हैं पार्ट फोर हो गया पार्ट फोर ए भी हो गया तो आठ क्लासेस हो गए हैं आज क्लास है आ जाइएगा क्लास में नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा तो ये वॉरशिप की बात हो रही है वॉरशिप पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गुजरात के शहर के नाम पे वॉरशिप का नाम रखा गया है गुजरात का वो कौन सा शहर है तो आप समझ ही चुके हैं सूरत है और इंडिजीनियस यानी कि भारत में बना हुआ मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है इंडियन नेवी ने अभी इसको कमीशन किया है जिसका नाम क्या रखा गया है सूरत रखा गया है राइट right? ओके okay? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे ऑनर किया गया है तीन लोगों को यहाँ पे ऑनर किया गया है जोसेफिना बेलमोंटे पांडो को एलेन मैकाथर्ड मे, इनका नाम है जोस मैनुअल मोलर इनका नाम है ये तीनों हैं जिनको यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम में अर्थ अवार्ड दिया गया है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्यों दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इनोवेशन दिखाया इनोवेटिव सोल्यूशन दिखाया इस चीज के लिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और मेन इनका जो प्रोजेक्ट था वो था प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक है प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इनोवेशन इनोवेटिव सोल्यूशन बताए हैं जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है और इन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस भी बताए हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस बताए हैं जिसके लिए अवार्ड दिया गया है ओके okay? चलेंगे नेक्स्ट हम तो देखेंगे ये क्या है ये है पुष्पा मूवी का मेन मुद्दा लाल चंदन का पेड़ ठीक रेड सैंडर्स तो रेड सैंडर्स को हम लोग पढ़ेंगे रेड सैंडर्स को क्यों पढ़ेंगे क्योंकि अभी क्या हुआ है कि तिरुपति में पुलिस ने लूट पुलिस ने लूटे गए ठीक है तो ये लूट लिए गए थे रेड में रेड सैंडर जब्त किया है जिसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि करीबन ये 4.31 करोड़ है ठीक है 4.31 करोड़ है अब ये रेड सैंडर्स को हम इसका बॉटनिकल नाम देखेंगे तो टेरोकार्पस सेंटालिनस ठीक है सेंटालिनस याद किया जा सकता है टेरोकार्पस ये पी साइलेंट होता है इसमें टेरोकार्पस सेंटालिनस इसका वॉटनिकल नेम है ये एक एंडेमिक ट्री है एंडेमिक ट्री का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसी जगह अगर कोई चीज पाई जाए तो उसको हम एंडेमिक स्पीशी कहते हैं है ना जब अगर कोई पर्टिकुलर किसी जगह चीज पाई जाए तो उसको हम एंडेमिक यानी कि स्थानिक स्थानिक है वो विल बी फाउंड ओनली डेड ये स्पीशी कहाँ पे तो ये स्पीशी कहाँ पे पाई गई है जहाँ पे पुष्पा मूवी की शूटिंग हुई थी आंध्र प्रदेश में पाई गई है आंध्र प्रदेश में जो पेड़ होता जो पहाड़ होते हैं उसको हम पांडा कहते हैं तो ये पालाकोंडा में पाई गई है ठीक है ये पहाड़ जो है पालाकोंडा अब यहाँ पे आप देखिएगा जो फॉरेस्ट है जो जंगल उसका नाम है शेषाचलम शेषाचलम वैलीगोंडा लंका माला पालाकोंडा हिल्स में तो ये जो पहाड़ हैं जिसका नाम है वेलीकोंडा लंका माला और पालाकोंडा तो ये सारे पहाड़ हैं ठीक है ठीके? और ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे सेशाचलम फॉरेस्ट है जहाँ पे ये पाए जाते हैं अब ये आप जानते हैं कि ये भारत है भारत के ईस्टर्न घाट्स में ये पाए जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं साथ ही साथ आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का एक्ट है हमारा इसमें हमने इसको लिस्ट में डाला है शेड्यूल फोर में आई कैटेगरी क्या कहती है कि ये इंडेंजर्ड है यानी कि अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएंगे उसके बाद ये एक्सटेंट भी हो सकते हैं तो इसलिए ये अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसमें ध्यान दिया जाएगा और इसको साइट्स के अपेंडिक्स टू में डाला गया है यानी कि ये स्पीशीज़ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है इसकी तस्करी नहीं की जा सकती है अब इसकी तस्करी करते क्यों हैं ये बात है तो पहले तो इसका जो टिम्बर है इसका जो जो डंठल है डंठल वो मतलब ये जो आपको देख रहा है बार्क ऑफ द ट्री है ठीक है तो इसका जो बार्क ऑफ द ट्री है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है डोमेस्टिकली अपने देश में भी और बाहर देश में भी इंटरनेशनली भी आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा कि लास्ट में पता चलता है कि भाई वो चाइना से डिमांड आ रहा था और वहां से मूवी देखी है ना आपने मूवी देख के बहुत चीज समझ में आता है तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत सारा डिमांड है और ईस्ट एशियन कंट्रीज में वहाँ पे भी दिखाया गया था कि लास्ट में ऐसे चाइनीज़ लोग थे तो ईस्ट एशियन कंट्री में इसका बहुत डिमांड है किस चीज़ के लिए तो इसका डिमांड है फर्नीचर बनाने के लिए नकाशी के लिए इस इसके नकाशी होते हैं पोल्स बनाने के खंबे बनाते हैं इससे और घर बनाने के लिए भी इसका डिमांड होता है लाल चंदन की लकड़ी का घर बनाएंगे ठीक तो ये रेयर है बहुत कम पाए जाते हैं और ग्रेन वेरियंट इज़ हाईली वैल्यूएबल इसको सबसे ज़्यादा जापान में इसका इसका वैल्यू हो इसमें जापान में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि गिटार हो गया सितार हो गया है ना तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका उसको हम इसी की लकड़ी से बनाते हैं तो टिम्बर को हम यहाँ पे एक्सप्लोइ करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका नाम सेंटेलिन है ठीक है तो ये सेंटेलिन क्या है ये क्यों लाल दिखते हैं क्योंकि इसमें एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसका जिसके कारण इसका नाम सेंटेलिन पड़ता है इसको लाल पिगमेंट को हम सेंटेलिन कहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है तो सौंदर्य के लिए ऐसा फेस पाउडर बनाया जाता होगा इसका और दवाइयों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो तस्करी का कारण भी आप समझ गए हैं इसका स्टेटस भी आप समझ गए हैं कि हमारे अपेंडिक्स में हमारे लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है Botnical नाम आप समझ गए हैं, लोकेशन भी धड़ाया है हाल ही में भारत आटा योजना शुरू किया है जिसमें गेहूं का आटा आपके घर में भी आता होगा गेहूं का आटा आप बताइएगा आप आ, मार्केट से आटा लेते हैं या गांव से गेहूं आता है जिसको आप धोते हैं सुखाते हैं फिर पिसवाते हैं ठीक का उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य यह है सब्सिडाइज रेट पे बहुत ही कम दरों पे इसको दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे यह देश भर में बांटा जाएगा मेन एजेंडा क्या है ताकि जो कंज्यूमर है उनको बहुत ज्यादा इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है इससे इनको राहत मिले इससे इसको निजात मिले ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि अबाउट 2.5 पॉइंट फाइव लैक टनस वीट यहाँ पर एलोकेट करेंगे ये किसके द्वारा किया जाता है तो एफ यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है इसको एलोकेट करेगा और ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो साढ़े इक्कीस रुपए में अभी क्या भाव चल रहा है आटा का सौरफ कह रहे हैं साढ़े सताइस रुपए सताइस रुपए आटा का भाव चल रहा है ठीक है तो यहां पे इक्कीस साढ़े इक्कीस रुपए में ये केंद्रीय भंडार नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट में जो कि आपका नेफेड है मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा और एन यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको दिया जाएगा दे विल कन्वर्ट इट इंटू वीट फ्लोर एंड इट ठीक है तो ये आप देखेंगे कि अब यहाँ पे ये इतने में पाए जाएंगे और इसको साढ़े सात साढ़े सताईस रुपये में दिए जाएंगे तो ये भारत आटा अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो साढ़े सताईस रुपये में आपको सब्सिडाइज रेट पे ये आटा मिल जाएगा भारत का आटा हाँ भारत आटा साढ़े सताईस रुपये अब हो गया है अगर सरकार से आप ले रहे हैं तो आप इस रेट पे आटा ले सकते हैं बाकी आप कौन से कंपनी का आटा खाते हैं आशीर्वाद वगैरह जो भी है फाइन चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हाँ ये इस पर बात करना था आप लोग की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी बीच में और आप लोग बहुत सारे आंसर्स भेज रहे थे लेकिन अब उसको फिर से आप लोग कम कर चुके हैं उसका कारण बताइएगा कल मुझे आंसर्स मिले हैं सौरभ सिंह का ठीक है सौरभ सिंह का आंसर देखा है मुस्कान आपका मैंने बिहार का डायग्राम देख लिया है रूही का आंसर अच्छा है रूही का आंसर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसलिए रूही का आंसर नहीं डाला है ठीक और कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत रेगुलर हैं है ना निधि अमित श्वेता आप लोग के आंसर्स मुझे बहुत कम मिल रहे हैं मधु झा आपका आंसर मैं खोज रही थी मुझे मिला नहीं शिवानशी का आंसर आया है ठीक है सनोज है आपका आंसर भी आया थोड़ा सा और लिखे थे कि बिहार में क्या है ना कि थर्टी एट मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो बड़े वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको ना और लिखना पड़ेगा सौरभ सिंह राजपूत आपने टूरिज्म पे लेट आंसर भेजा था मैंने रीड किया था शोएब आपका आंसर रिलीजियस और कल्चरल वाला अच्छा था ठीक है केशव का भी आंसर मिला है मुझे सलोनी का आंसर मिला है रीड करना पड़ा है नाम इसलिए क्योंकि आंसर कम मिले हैं केशव है खान है खान आपका आंसर भी मिला है लेकिन बहुत फ्लैट आंसर नहीं थोड़ा उसमें कुछ इनोवेशन डालेंगे ना जैसे कि इस तरह से आपकी फीचर्स बना सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे ऐसा ना लगे कि ऐसे बुक पढ़ेंगे ठीक है एक सेवेंटियथ बी इन्होंने लिखा है कि प्लीज चेक माई मैं आंसर मैंने आपका आंसर चेक किया है देखिए जब भी आप पॉइंट्स लिखें ना जैसे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं लीगल राइट टू वर्क तो इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको थर्टी मार्कर क्वेश्चन बनाना है है ना ठीक और लवली कुमारी आपका आंसर्स भी अच्छा होता है सो लवली सो लुकिंग लाइक अ वाओ टाइप का आंसर है ठीक है और साक्षी आपका भी आंसर मिला है मुझे बाकी कम बच्चे आंसर भेज रहे हैं ये आंसर सौरभ का है सौरभ आपने लिखा है मनरेगा के ऊपर अच्छा आंसर था मनरेगा को इन्होंने डिफाइन किया है पॉइंट्स में बताया है ठीक है तो अभी पहले इन्होंने करंट अफेयर्स बताया इसका फिर पॉइंट्स बताया है मनरेगा का की फीचर बताया है सिग्निफिकेंस बताया है कि एम्पावरिंग फिर उन्होंने डेटा भी दिया है कि वुमेन जनरल में फोर्टी सेवन ऑफ दर्सेंटे वाइल एस सी एस टी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया उन्होंने फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द टोटल टोटल डे थोड़ा सा थोड़ा सा राइटिंग और ठीक करेंगे इस टाइप के राइटिंग में आपको टाइम ज्यादा लगेगा ठीक है जो आप छोड़ के लिख रहे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइम ज़्यादा लगेगा इसको भी देखना पड़ेगा राइटिंग देखिए अभी से हम इसलिए लिखवा रहे हैं ना क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको और समझ में आएंगी जैसे कौन सा पेन होना चाहिए आपके पास कैसी राइटिंग होनी चाहिए जिससे राइटिंग फास्ट हो तीन घंटे का पेपर है बहुत लंबा पेपर होता है लेंदी पेपर हो रहा है आजकल तो क्वेश्चन और सब क्वेश्चन भी हैं तो फास्ट लिखना बहुत ज़रूरी है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में और उसके लिए आपको अभी से लिखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसा पेन यूज़ करना है और कैसे राइटिंग लिखना है किस स्पीड में लिखना है तो ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी कंटेंट जब आपके पास आ जाएगा तो आपको लगता है कि जब लिखेंगे तब ऐसा होगा जब हम विद्वान बन जाएंगे तो जब आप विद्वान बन जाएंगे तो आप बीपीएससी का एग्जाम क्यों देंगे तो, विद्वान, बन तो विद्वान बनने के इस प्रोसेस के बीच में ही आपको सारा काम करना पड़ेगा तो आंसर भी लिखें प्रैक्टिस भी करें स्पीड को भी ध्यान देंगे ठीक है ठीक है तो इकोनॉमिकल अब जैसे इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिकल लिखा है तो आप लिखेंगे ना इशूज तो ये ये जो आप लोग लिख रहे हैं अच्छा आंसर है कंटेंट आप अच्छा बना रहे हैं इसको थोड़ा सा बस आराम से जैसे अच्छा पॉलिटिकल क्या पॉलिटिकल पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल स्टेप्स इसको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा इसमें देख के ऐसा लग रहा है ना कि बच्चा इज़ नॉट वेरी सिंसियर ठीक तो सिंसियरिटी थोड़ा सा और लाना पड़ेगा जब भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉइंट्स को अगर आप, आपने मैंशन कर दिया है तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें अदरवाइज यू डोंट मैंशन इट तो अलग अलग आंसर्स हम रोज इस, इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप इन आंसर्स को रीड करें और आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या इसमें लैकिंग है है ना कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा डेटा ना दें जो कि आप एग्जाम में नहीं पढ़ पाएंगे अभी तो आप देख के लिख के बता दीजिएगा लेकिन जब आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो फिर क्या फायदा ऐसे आंसर्स का है ना तो ये सब थोड़ा सा लैकिंग था बाकी द थिंग इज कि इन्होंने लिखा इन्होंने लिखा पॉइंट्स आपके ज्यादा है सॉर्फ तो पॉइंट्स को थोड़ा सा आप इसमें लिखें है ना पैराग्राफ में लिखें तो वो और अच्छा हो जाएगा बाकी इट इज ओवरऑल गुड इनिशिएटिव क्या आपने स्टार्ट किया ऐसे बिगनर्स के लिए अच्छा आंसर है हाँ मेरे कॉपी पे लिखा था मैम समरीन आपका आंसर्स भी मिल रहा है मुझे ठीक है आप लोग ना ग्रुप में ही डाला कीजिए टेलीग्राम का ग्रुप है बीपीएससी वाला का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए उससे आपको कीर्ति मैम ग्रुप भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स बाई कीर्ति मैम ऐसे करके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसको आप ज्वाइन कर ले और उसमें आंसर्स डाल दें मैं आप अब ना पीपीटी में स्कैनर डाल दूंगी ताकि आप वहाँ पे स्कैन करके सीधे ग्रुप में आ जाएं फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन थैंक यू फॉर द सेशन और आज का आपका आपको मिल ही चुका है आपका क्वेश्चन होमवर्क का हमको डीप फेक पे एक आंसर चाहिए आप डीप फेक पे कितना जानकारी इकट्ठा करके लिख सकते हैं उसको आप लिखिएगा डीप फेक के जो नुकसान हो रहे हैं समाज में समाज में इसका प्रभाव इस पर आपको आंसर लिखना है ठीक अब इसको आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप थर्टी एट मार्कर में डालिए अगर आप कम लिख रहे हैं तो आठ मार्कर वाले में आप इसको डाल सकते हैं फाइन तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ सेशन क्लास के ड्यूरेशन को कम तो देखिए क्लास के ड्यूरेशन को तो मुझे लगता है कि फिफ्टी मिनट की क्लास है बाकी दस मिनट तो आपको रोज आंसर राइटिंग को बताने में चला जाता है जब आप लोग सीख जाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो दिस इज़ ऑल थैंक यू फॉर द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद